यह है बूमरैंग नेबुला, एक ऐसी जगह जहां पर तारों का निर्माण होता है। अगर नेबुलाज को तारा बनाने वाली फैक्ट्री कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। बूमरैंग हमारी पृथ्वी से करीब 5000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है और यह अपने ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। इस स्ट्रक्चर को बनाने के पीछे इसके सेंट्रल तारे का हाथ है जो उसके केंद्र में मौजूद है। हबल टेलीस्कोप द्वारा ली गई इस तस्वीर में आप उस तारे को क्लियरली देख सकते हैं। वैसे तो तारों और उनके आसपास के एरिया का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लेकिन बूमरैंग के साथ ऐसा नहीं है। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि यह नेबुला ब्रह्मांड में ढूंढी गई सबसे ठंडी चीज है। इसका तापमान -272 डिग्री सेल्सियस है, जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से भी कम है। हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है और इसका एवरेज तापमान बहुत तेजी से घट रहा है। बिग बैंग के एक सेकंड बाद हमारे ब्रह्मांड का तापमान करीब 10^10 डिग्री सेल्सियस था और आज यह तापमान घटकर -270 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह टेम्परेचर ऐसे ही घटता रहेगा और अंत में यह -273.15 डिग्री सेल्सियस पर आकर रुक जाएगा। यह एक ऐसी लिमिट है जो ब्रह्मांड की हर चीज पर अप्लाई होती है। इस ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी चीज -273.15 डिग्री सेल्सियस से ठंडी नहीं हो सकती है। यह तापमान कई सालों तक वैज्ञानिकों के लिए एक मिस्ट्री रहा है, लेकिन सैकड़ों रिसर्चेस को कंडक्ट करने के बाद आज इसे काफी हद तक समझा जा चुका है। तो क्या हो अगर हमारी पृथ्वी और हमारा शरीर -273.15 डिग्री सेल्सियस जितना ठंडा हो जाए? आज के इस एपिसोड में हम आपको ब्रह्मांड की इस मिस्टीरियस टेम्परेचर लिमिट का एक्सपीरियंस करवाने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ स्टडी ऑफ टेम्परेचर। हम इंसान सदियों से तापमान को स्टडी करते आ रहे हैं, लेकिन इसकी पहली ऑफिशियल स्टडी गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई थी। 1590 के दशक में गैलीलियो गैलीली ने एक ऐसे डिवाइस का इन्वेंशन किया था जो टेम्परेचर को नाप सकता था। उस डिवाइस का नाम था थर्मोस्कोप। उस समय तापमान को नापने के लिए कोई भी यूनिट नहीं हुआ करती थी, जिस वजह से उनका यह इन्वेंशन इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। लेकिन फिर 1850 के दशक में विलियम थॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक ने टेम्परेचर को क्लियरली डिफाइन किया। उन्होंने बताया कि तापमान कुछ और नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट में मौजूद पार्टिकल्स की स्पीड का मेजर होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट में मौजूद पार्टिकल्स बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट का तापमान बहुत हाई होगा। वहीं अगर किसी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स बहुत शांत हैं तो उसका तापमान ठंडा होगा। टेम्परेचर के इस बेसिक प्रिंसिपल ने उस समय की फिजिक्स को हिला कर रख दिया था। बाद में हुई स्टडीज में ये पता चला कि पार्टिकल्स के आपस में टकराने की वजह से भी तापमान अफेक्ट होता है। जैसे कि आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है, जिन्हें एटम्स कहा जाता है। ये एटम्स हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते हैं। सीधी सी बात है कि ऐसा करने के लिए उन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वैज्ञानिक इस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के नाम से बुलाते हैं। अब आप सबने क्रिकेट तो खेला ही होगा। इस काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को आइए एक क्रिकेट बॉल के एग्जांपल से समझते हैं। जब ये क्रिकेट बॉल रेस्ट स्टेट में होती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। जैसे ही आप उस गेंद को फेंकते हैं वैसे ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि जो भी चीज मोशन में होती है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है, बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट में मौजूद एटम्स की तरह। अगर इस काइनेटिक एनर्जी को किसी तरह से कम किया जाए तो ऑब्जेक्ट का तापमान भी घटने लगेगा। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है एक ऑब्जेक्ट से एनर्जी को खींच लेना। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट से आखिर एनर्जी कैसे खींची जा सकती है? यह सवाल जितना कॉम्प्लेक्स सुनाई देता है असल में उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। इसका उत्तर ढूंढने में वैज्ञानिकों को भी काफी समय लगा था और बाद में उन्हें पता चला कि ऐसा करने का मात्र एक ही तरीका है और वो है उस ऑब्जेक्ट को एक ऐसे ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में लाना जिसकी एनर्जी उसके मुकाबले कम हो। मान लीजिए आपके पास दो गिलास हैं, जिनमें से पहले गिलास में गर्म पानी है और दूसरे गिलास में ठंडा पानी है। सीधी सी बात है कि ठंडे पानी के पार्टिकल्स की एनर्जी गर्म के मुकाबले बहुत कम होगी। जब इन दोनों गिलासों को एक साथ कॉन्टेक्ट में लाया जाएगा तो गर्म पानी की एनर्जी ठंडे पानी की ओर बहने लगेगी। धीरे धीरे गर्म पानी का तापमान ठंडा होने लगेगा और ठंडे पानी का तापमान गर्म होने लगेगा। अगर यह दोनों एक वैक्यूम में मौजूद हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब इन दोनों का तापमान बराबर हो जाएगा। इस चीज को फिजिक्स में इक्विलिब्रियम कहा जाता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर वैक्यूम का मतलब है एक ऐसा वातावरण जो एक्सपेरिमेंट को किसी भी तरह से अफेक्ट ना कर सके। वैज्ञानिक जब भी किसी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं तो वह आसपास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल में रखते हैं। इससे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट बहुत क्लियर आते हैं और उन्हें अपनी रिसर्च करने में आसानी होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है
कि आपके घर में मौजूद फ्रिज भी इसी तापमान के प्रिंसिपल पर काम करता है। फ्रिज में मौजूद गैस उसमें रखे खाने की एनर्जी को खींचने का काम करती है। ऐसे में खाने के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है, जिस वजह से उसका तापमान घट जाता है। खैर, अब हमें ये पता चल चुका है कि किसी भी चीज़ की एनर्जी को कैसे डाउन किया जा सकता है। ऐसे में क्या हम किसी ऑब्जेक्ट के तापमान को -273.15 डिग्री सेल्सियस जितना ठंडा कर सकते हैं? आइए जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ठंडा करने के लिए हमें एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है जो उससे भी ठंडा हो। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को एब्सोल्यूट जीरो यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस जितना ठंडा करना है, तो हमें इस तापमान से भी ठंडे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। साइंटिस्ट्स द्वारा अचीव किया गया आज तक का लोएस्ट टेम्परेचर -273.149 डिग्री सेल्सियस है। यह एब्सोल्यूट जीरो के काफी नजदीक तो है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट बराबर नहीं है। अब सवाल ये आता है कि आखिर वैज्ञानिकों ने इस तापमान को कैसे अचीव किया होगा? कैसे उन्होंने एक ऐसे ऑब्जेक्ट को ढूंढा होगा जो उस तापमान से भी ठंडा था? जैसे जैसे थर्मोडायनामिक्स की फील्ड में प्रोग्रेस होने लगी, वैसे वैसे वैज्ञानिकों को यह पता चलने लगा कि एब्सोल्यूट जीरो को अचीव करने के लिए उन्हें किसी दूसरे तरीके को खोजना पड़ेगा। आखिर किस तरह से वैज्ञानिक एब्सोल्यूट जीरो के नजदीकी तापमान को अचीव करते हैं? 1930 के दशक में पीटर डीवाई एंड विलियम फ्रांसिस नाम के दो वैज्ञानिकों ने एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन नाम की प्रक्रिया का इन्वेंशन किया। यह आगे चलकर हमें एब्सोल्यूट जीरो के बहुत नजदीकी टेम्परेचर्स को अचीव करने में मदद करने वाली थी। एनीवेज, ये एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है, आइए पहले इसे समझते हैं। आपने अपने स्कूल में मैग्नेट्स और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा होगा। एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, जिन्हें नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जाता है। इस मैग्नेट से जनरेट होने वाली फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जब एक मैग्नेट को किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो वह तेजी से वाइब्रेट करने लगता है। बाद में जैसे ही उस मैग्नेटिक फील्ड को बंद किया जाता है, वह मैग्नेट भी इंस्टेंटली वाइब्रेट करना बंद कर देता है। एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन में इसी चीज को एक बड़े लेवल पर किया जाता है। इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जो मैग्नेट्स को वाइब्रेट करने पर मजबूर कर देती है। जब मैग्नेट्स बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं, तो उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को अचानक से बंद कर दिया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड ना होने की वजह से वह मैग्नेट्स भी अचानक से रुक जाते हैं और एक लो एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। इसकी वजह से उनके तापमान में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। हैरानी वाली बात तो ये है कि कई बार उनका तापमान एब्सोल्यूट जीरो के नजदीक तक भी पहुंच जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक -273.149999999900 डिग्री सेल्सियस के तापमान को अचीव कर चुके हैं। यह एब्सोल्यूट जीरो के बहुत ही नजदीक है, लेकिन उसके एग्जैक्टली बराबर नहीं है। वैज्ञानिक बताते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो तापमान को एग्जैक्टली अचीव करना असल में पॉसिबल ही नहीं है। इतनी लो तापमान पर जाने के बाद पार्टिकल्स की वाइब्रेशन ऑलमोस्ट रुक जाती है, जो क्वांटम फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों को आज तक ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिला है जिसका तापमान एग्जैक्ट -273.15 डिग्री सेल्सियस हो। आखिर बूमरैंग नेबुला इतना ठंडा क्यों है? जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इस ब्रह्मांड में ढूंढी गई सबसे ठंडी जगह बूमरैंग नेबुला है। इसका तापमान -272 डिग्री सेल्सियस है, जो एब्सोल्यूट जीरो से मात्र 1 डिग्री ज्यादा है। अब शायद आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि आखिर अंतरिक्ष में ऐसी कौन सी चीज मौजूद है जो इस नेबुला के तापमान को इतना ठंडा कर रही है? इसका जवाब है एक तारा। यह तारा असल में कहीं और नहीं बल्कि इस नेबुला के केंद्र में ही मौजूद है। हबल द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा से यह पता चलता है कि पिछले 1500 सालों में इस तारे ने इतना मैटर लूज किया है जितना हमारे सूर्य अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कर सकता। इस प्रक्रिया को बाइपोलर आउटफ्लो कहा जाता है, और इसमें एक तारा अपने ही मैटर को अंतरिक्ष में रिलीज करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे यह मैटर अंतरिक्ष में रिलीज होता है, वैसे वैसे इसका तापमान घटने लगता है। जब भी किसी गर्म चीज को एक बड़े एरिया में फैलाया जाता है, तो उसका तापमान अपने आप ही कम होने लगता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आप अपने घर पर ही देख सकते हैं। आपने कई बार यह नोटिस किया होगा कि चाय को ठंडा करने के लिए लोग उसे एक सॉसर में डालकर पीते हैं, या गर्म चावल को ठंडा करने के लिए लोग उसे एक बड़े एरिया में फैला देते हैं। इस चीज को एक्सपेंशन कहा जाता है। जब भी एक गर्म पदार्थ को एक बड़ा एरिया मिलता है, तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है। काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से ही उसका तापमान भी कम हो जाता है। वेल, तो बूमरैंग नेबुला के इतना ठंडा होने का कारण कुछ और नहीं बल्कि नॉर्मल एक्सपेंशन है। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि यह टेम्परेचर हमेशा ही ऐसा नहीं रहेगा, धीरे धीरे यह इंक्रीज होने लगेगा और ब्रह्मांड के एवरेज टेम्परेचर के नजदीक पहुंच जाएगा।
हमारे ब्रह्मांड का एवरेज टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस है। यह तापमान असल में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का है। CMB उस एनर्जी को कहते हैं जो बिग बैंग के दौरान रिलीज हुई थी और आज भी हमारे ब्रह्मांड में प्रेजेंट है। सीधी सी बात है कि समय बीतने की वजह से अब इस एनर्जी का तापमान बहुत कम हो चुका है। -270.42 डिग्री सेल्सियस वाली यह एनर्जी एक समय पर पूरे ब्रह्मांड की सबसे गर्म चीज हुआ करती थी, लेकिन डार्क एनर्जी ने इसे धीरे धीरे ठंडा कर दिया। डार्क एनर्जी वह मिस्टीरियस फोर्स है जिसकी वजह से हमारा ब्रह्मांड बहुत तेज स्पीड से फैल रहा है। यह ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से दूर करने का काम करती है जिससे ओवरऑल ब्रह्मांड का टेम्परेचर कम होता है। वैज्ञानिक यह अंदाजा लगाते हैं कि अगर डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को इसी तरह से फैलाती रही तो एक समय ऐसा आएगा जब यूनिवर्स का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो की बहुत नजदीक पहुंच चुका होगा। यह असल में हमारे ब्रह्मांड का अंत होगा। BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हमारी पृथ्वी पर आज तक का लोएस्ट तापमान एंटार्क्टिका में रिकॉर्ड किया गया था 21 जुलाई 1983 को। वहां मौजूद एक वेदर स्टेशन ने -89.2 डिग्री सेल्सियस तापमान को दर्ज किया था। वैसे तो यह एब्सोल्यूट जीरो के नजदीक भी नहीं है, लेकिन क्या हो अगर सच में हमारी पृथ्वी का तापमान एब्सोल्यूट जीरो हो जाए। इसका सबसे पहला असर हमें वायुमंडल और समुद्रों में देखने को मिलेगा। हमारे वायुमंडल में मौजूद हवाएं अचानक से थम जाएंगी और सारे के सारे समुद्र कम्प्लीटली सॉलिड बन जाएंगे। इतनी कम टेम्परेचर पर कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह पाएगा और सबके सब मारे जाएंगे। अगर हम इंसान किसी तरह से बच जाते हैं तो हम BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यह मैटर का पांचवा स्टेट है जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर क्रिएट होता है। अगर हमारा शरीर इस मैटर में कन्वर्ट हो जाता है तो हम पानी की तरह फ्लो करने लगेंगे। यह सुनने में भले ही बहुत इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन ऐसा होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। गर्व की बात यह है कि मैटर के इस स्टेट की डिस्कवरी में एक बड़ा हाथ भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस का था। उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर इस स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कवर किया था, जो आगे चलकर बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाला था। जब भी कोई ऑब्जेक्ट BEC स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसमें मौजूद एटम्स एक सिंगल एटम की तरह बिहेव करने लगते हैं, मानो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही एक सिंगल पार्टिकल हो। इस तापमान पर जाने के बाद मैटर का बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और चीजें बहुत मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग होने लगती हैं। इस स्टेट को ऐसे ही नहीं अचीव किया जा सकता, बल्कि ऐसा करने के लिए वैज्ञानिक तरह तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी टेक्निक्स में एक चीज कॉमन है और वो है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को कम करना। खैर, जाती एक जर्नी ब्रह्मांड के लोएस्ट टेम्परेचर तक की। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।